नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। बहराइच हिंसा की आग लगातार भड़क रही है और आज छठवां दिन है। आप ये देखिए कि कल हुए एनकाउंटर के बाद से बहराइच के कुछ खास इलाकों में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स और ज्यादा बढ़ा दी गई है, खुफिया विभाग सक्रिय हो चुका है ताकि कहीं से भी कोई हिंसा की आग न भड़का सके, एक बार फिर से कोई उपद्रव ना हो सके। आप देखिए कि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज होती है और नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में एक विशेष समुदाय के लोग जाते हैं। इस दौरान कोई भगदड़, पत्थरबाजी, मारपीट, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते पुलिस प्रशासन सख्त है। देखिए, एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालीम का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और हॉस्पिटल के बाहर आरएएफ का पहरा लगा है। जिला मुख्यालय पर जगह जगह फोर्स और फायर ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। 10:30 बजे पुलिस मेडिकल कॉलेज से दोनों आरोपियों को ले जाकर जज के आवास पर पेश किया गया, क्योंकि आज एक अहम सुनवाई होनी थी। तो वहीं सुबह महाराजगंज बाजार में कुछ दुकानें खुलवाई गई हैं ताकि जो हालात थे उनको थोड़ा सा सामान्य किया जा सके, और इन जब मार्केट खुलवाया गया तो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रहा था। और जो हिंसा भड़की हुई थी ये तो शांत हुई है, लेकिन अभी भी डर है कि एक बार फिर से कोई उपद्रव ना हो जाए। पूरी मार्केट बंद थी, लेकिन लोगों को जो एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मिल सकें, इसके चलते दुकानें खुलवाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत जो हो रही है उस पर भी हम जिक्र करेंगे। और आज जुमे को देखते हुए रात में पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया है और इस दौरान डीएम एसपी भी तैनात हैं। खुफिया विभाग को भी अलर्ट रखा गया है, जगह जगह खुफिया विभाग के जवानों को तैनात किया गया है। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली ने भी आरोपियों के एनकाउंटर के वीडियो को लेकर एक बयान जारी किया है। एक वीडियो सामने आया है जिस पर उन्होंने थोड़ी नाराजगी भी व्यक्त की है। उनका ये कहना है कि अभी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, आरोपियों के पैर पर गोली मारी गई है, ये इंसाफ नहीं है, खून का बदला खून होना चाहिए। देखिए, 13 अक्टूबर को ये पूरी घटना हुई थी जब दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 15 FIR दर्ज हुई है, 15 लोगों के खिलाफ। 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज जो जज के सामने पेशी हुई है उस पर एनकाउंटर से संबंधित और इस पूरी जो हिंसा हुई है इससे संबंधित बातचीत, सवाल जवाब किए गए। और दूसरी तरफ रामगोपाल के परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी को भी। एक बार उनकी पत्नी का बयान आ गया था और अब ये आरोप है कि उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा सख्त है कि मीडिया को भी उस परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जितने भी लोग हैं आने जाने वाले उन सबको देखा जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। बहराइच के जो खास इलाके हैं वहाँ पर जितने भी वहाँ जा रहे हैं उन सबकी चेकिंग हो रही है, क्योंकि आज शुक्रवार है और जुमा होने की वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसी घटना ना हो जाए जिसके बाद एक बार फिर से बहराइच में हिंसा भड़क जाए। इसलिए आसपास का करीब 20 किलोमीटर का एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जुमे की नमाज को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले हर वाहनों में सघन चेकिंग की जा रही है। देखिए कि जो रामगोपाल मिश्रा हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। जैसा कि दुर्गा विसर्जन के दौरान भगदड़ हुई और इस दौरान रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद से बहराइच में हिंसा भड़की है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ऑफिशियली, रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल पर तलवार और चाकू से हमला नहीं किया गया था, ना ही करंट लगाया गया था। बॉडी पर छर्रों के 29 निशान मिले हैं, फेफड़ों में लगभग 2.5 लीटर खून जमा था। मृतक के दोनों अंगूठों पर जलने और माथे पर कट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार गोलियां लगने के बाद सदमा और अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण रामगोपाल की मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है। यानी कि ये बात साफ हो गई है जो कहा जा रहा था कि तलवार से चाकू से हमला किया गया, करंट लगाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 29 छर्रों के निशान जरूर बॉडी पर पाए गए हैं, ज्यादा खून बह जाने की वजह से इनकी मौत की बात कही जा रही है। रोली मिश्रा रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है, हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है।
पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। दूसरी तरफ पुलिस सुरक्षा के बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई थी और उसके बाद रामगोपाल की हत्या के आरोपियों को जज के आवास में पेश किया गया, जहां पर कुछ सवाल जवाब किए गए हैं। एनकाउंटर से संबंधित भी जो कल एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि एनकाउंटर के दौरान दोनों ही आरोपियों के सरफराज और तालीम के पैर में गोली लगी और अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया था। 10:30 बजे पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर गई थी। अब आपको बता दें कि मुठभेड़ में सरफराज और तालीम को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया था और इस दौरान भी यहां पर बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और कॉलेज मेडिकल कॉलेज के बाहर आरएएफ की तैनाती की गई है। आगे आपको बता दें कि बहराइच के जो महाराजगंज इलाका है, जो मुख्य इलाका माना जाता है, वहाँ पर अभी तक इंटरनेट बंद था इलाके में, लेकिन अब इंटरनेट धीरे धीरे खोला जा रहा है, लोग बातचीत कर पा रहे हैं। कुछ भी ऐसे मैसेजेस, ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट ना हो आसपास के क्षेत्र में कि और ज़्यादा उपद्रव की स्थिति बने, इस वजह से इंटरनेट भी बंद था, लेकिन अभी से खोल दिया गया है और सड़क पर ज़्यादा आवाजाही नहीं है। बाज़ार खुलना शुरू हुए हैं, कुछ दुकानें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उसको लेने के लिए दुकान खुलना शुरू हुई हैं। देखिए, 4 दिन में 60 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 17 अक्टूबर को पुलिस ने रामगोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद को उसके बेटे और एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया और पुलिस को इनपुट मिला था कल कि बेटा सरफराज उर्फ रिंकू अपने साथी तालीम के साथ नेपाल भाग सकता है और जब इन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि सरफराज ने बंदूक से गोपाल को गोली मारी थी और इसके चलते ये मुख्य आरोपी माना जा रहा था, इस पर कड़ी नज़र थी। कल एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, इसके बाद ये मामला फिर से एक बार गर्मा गया और यही कारण है कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस माना जा रहा है, ताकि आज ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिससे एक बार फिर से कोई किसी की जान चली जाए या कोई किसी की जान पर बनाए। आप देखिए इसको लेकर जो सियासत हो रही है। अब दरअसल बहराइच के पूरे इलाके में एनकाउंटर के बाद से प्रशासन अलर्ट है। डीएम एसपी नानापारा इलाके का भ्रमण कर रहे हैं। एनकाउंटर में घायल दोनों आरोपियों को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, इस दौरान भी सुरक्षा बहुत ज़्यादा तैनात की गई थी ताकि कोई हमला न कर दे और पुलिस ने शहर के स्टीलगंज तालाब इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर ज़रा सी भी कोई खामी नज़र आई या हिंसा जैसी कोई भी प्रवृत्ति नज़र आई किसी व्यक्ति में, उसे तुरंत धर दबोचा जाएगा। और इसी दौरान एक वीडियो सामने आया है राम गोपाल मिश्रा की पत्नी का। उनका ये कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमें दिखा दिया गया है कि आरोपियों के पैर पर गोली मारी गई, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। रोली ने पुलिस पर घूस लेने, अन्याय करने और साथ नहीं देने का आरोप लगाया और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि खून का बदला खून होना चाहिए। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहराइच की घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और दूसरी तरफ बेहद दुखद इसे बताया। उनका ये कहना था कि सरकार का फेल्यूर है, अगर सरकार पहले से अलर्ट होती तो इतनी बड़ी घटना होती नहीं। बहराइच की घटना होने से पहले प्रदेश सरकार और प्रशासन रोक सकता था, लेकिन किसी की और यहाँ पर किसी की जान भी नहीं जाती, समय रहते अगर कार्रवाई हो जाती तो इतना बड़ा ये घटनाक्रम नहीं होता, ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। सपा प्रमुख ने सरकार के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए कहा है और साथ ही ये भी कहना है कि सरकार अंग्रेजों के दिए गए नारे डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ मौजूदा सरकार भी अखिलेश यादव पर हमलावर है, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर भी अब सियासत गरमा रही है। वहीं अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन आज की जो मुख्य तस्वीर है वो है रोली का वीडियो। शुक्रवार होने की वजह से वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया कल देर रात और कल हुए एनकाउंटर के बाद से एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि इस तरीके की घटना दोबारा से यहाँ पर ना हो पाए। बहराइच पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में था, चाहे वो किसी भी कारण से हो, और इस बार ये जो बड़ी घटना हुई है रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद से ये पूरा घटनाक्रम और ज़्यादा संवेदनशील होता जा रहा है और कल हुए एनकाउंटर के बाद से जो पैर में गोली लगी है, इसके बाद जो रामगोपाल मिश्रा की पत्नी है रोली, वो काफ़ी भड़की हुई हैं, नाराज़ हैं और उनका ये साफ कहना है कि खून के बदले खून होना चाहिए, पैर में गोली लगी, पुलिस ने यहाँ पर सही इंसाफ नहीं किया है। बाकी इस बयान को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं,
हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अब थोड़ी सी शांति व्यवस्था बनाई जा रही है, दुकानें खुल रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, लोग का जीवन पटरी पर आ रहा है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार साझा करिएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।